Sit down, student, and put your Hindi books on the table and apni apni fees ki receipt le lo mujhse. Shit up, sare bache apni apni sheet pe jayenge. मैं क्या करूं अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए. मैं हिंदी पढ़ाता हूं बच्चों को, पर आजकल हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश आना ज़रूरी है. सारे बच्चे हंसते हैं मुझ पर. तो इसमें आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं मिस्टर शर्मा? माफ़ कीजिएगा मिस कुंद्रा, आप मेरा दर्द नहीं समझ सकती क्योंकि आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी पहले आप ही की तरह होती थी. हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, मुझ में भी थी. फिर ऐसा क्या किया आपने जो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई? वीडियोस देखी इंडिया ब्रेन पावर की प्रोनंसिएशन पे. उनकी निमोनिक टेक्निक से मुझे इंग्लिश प्रोनंसिएशन के सारे रूल याद हो गए. फिर प्रैक्टिस से सब मैंने सीख लिया. अच्छा, वीडियोस तो मैंने भी बहुत देखी पर कुछ फायदा नहीं हुआ. इंडिया ब्रेन पावर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर शर्मा, और उनकी प्रोनंसिएशन की वीडियोस देखें. आप खुद समझ जाओगे कि और वीडियोस और इंडिया ब्रेन पावर की वीडियोस में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब आप इतना बोल रही हैं तो मैं जरूर करके देखूंगा. ठीक है, देखते हैं क्या है ये इंडिया ब्रेन पावर. ये वाली प्ले करता हूँ. Always silent in the following word initial spelling sequence KN. When K is with N in the beginning, it is silent. So let's learn the mnemonic. K for kite, N for nest. K is silent with N. As you can see, N that is nest absorbs K that is kite, so it is silent. Repeat the words with me. Knife, knee, night, knock. धिनचक धिनचक, ये बहुत आसान है. जिस तरह इन्होंने समझाया है उस तरह याद रखना बहुत ही आसान है. आप भी देखिए इंडिया ब्रेन पावर.